तो बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां सीएम के बयान पर बीजेपी का पलटवार आया है। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया है, सीएम के षड्यंत्र की बात को सिरे से खारिज करता हूं। उन्होंने ये कहा है कि आरोप लगाने से पहले कांग्रेस अपने आप को देखे, अब तक झीरम की सच्चाई सामने क्यों नहीं आई। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम के बयान पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी का वार किया है और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया है। वार करते हुए कहा है कि सीएम के षड्यंत्र की बात को उन्होंने सिरे से खारिज करा है और कहा है कि मैं इसे खारिज करता हूं। आरोप लगाने से पहले कांग्रेस अपने आप को देखे, अब तक झीरम की सच्चाई सामने क्यों नहीं आई। ये जो बीजेपी को नक्सल मामले में षड्यंत्रकारी बताने का जो आरोप लगाया गया है, मैं उसे एक सिरे से खारिज करता हूं और इस बात को भी खारिज करता हूं कि कांग्रेस के राज में आदिवासी नहीं मारे गए। आज हम लगातार देख रहे हैं कि नक्सली घटनाएं घट रही हैं। हमने अपने विधायक भीमा मंडावी को खोया है, आदिवासी विधायक हमारे रहे हैं। सिलगेर की घटना आपको याद में है, जब जहां मारे गए। उसके अलावा आपके यहां अगवा करके ले जाते हैं, बाकी लोगों को जन अदालत में निपटा देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर झीरम की जो घटना हुई और झीरम की घटना के बाद में सच्चाई सामने क्यों नहीं आई।